आइए नजर डालते हैं विस्तार से खबरों पर। फतेहपुर ग्राम सभा बडनपुर विकास खंड हसवा बरगना गाजीपुर तहसील व जिला फतेहपुर में तालाब के खाते की घाटा संख्या 190, 191, 192, 186 आदि की प्रमुख समस्याएं हैं, जिसे लोगों ने अधिग्रहित कर रखा है। इस अधिग्रहित जमीन को दबंगों से छुड़ाने के लिए प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। रेलवे ट्रैक को मिट्टी लेने के लिए रेलवे कॉन्ट्रैक्टर हाथरस निवासी चंद्रवीर सिंह द्वारा कार्य संपन्न कराया जा रहा है, जिसके लिए प्रार्थना पत्र थाने में दिया गया है। फतेहपुर से हमारे संवाददाता श्रवण कुमार तिवारी की रिपोर्ट। एक खनन अनुज्ञा पत्र लेकर के गाजीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आए हुए हैं और इनकी क्या प्रमुख समस्याएं हैं, आइए इनके विचारों के माध्यम से, इनके शब्दों के माध्यम से लेने का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद महोदय जी, आपको क्या समस्या हो रही है और आप किस पद पर हैं, क्या कार्य कर रहे हैं जी, मैं बताने का कष्ट करें। मैं एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर हूं जी, और रेलवे में फ्रेट कॉरिडोर के लिए मिट्टी की आवश्यकता है जी, और इसलिए वो जो है तालाबों का जो वह अतिक्रमण भी हट जाए जी, उनमें दोनों ही पर्पज हैं जी, और वहाँ ग्राम सभा के कुछ लोगों ने अतिक्रमण जो है कर रखा है तालाबों पे। अच्छा, उनका नाम लिया आपने? जी जी, मैंने कोई नाम नहीं लिया जी जी, और मुझे तो पहले से ही फोर्स की जरूरत है। अच्छा अच्छा, पहले से ही मैं SDM साहब से परमिशन करा के जी जी मैं गाजीपुर थाने में एक कॉपी दे चुका हूँ जी, और मुझे पूरा ठोस आश्वासन दिया है जी थाना इंचार्ज महोदय ने जी, और वो मुझे फोर्स उपलब्ध कराएंगे। अच्छा, उनकी सीधी आपकी वार्ता हो चुकी है? जी जी जी। अच्छा 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 जी, ठीक है, आप आश्वस्त हैं? हाँ, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। अच्छा 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 जी, ठीक है, पुनः अपना परिचय देते हुए अपनी वाणी को विराम देने का कष्ट। मेरा चंद्रवीर सिंह नाम है जी, और मैं हाथरस जिले से बिलोंग करता हूँ जी जी जी, और यहाँ पे GMR में वेंडर कोड हूँ जी 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 जी, और जी जी, ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ श्रवण कुमार तिवारी, फास्ट न्यूज इंडिया, फतेहपुर। महिला सशक्तिकरण संकल्प अभियान प्रयागराज के विकास भवन सरस हॉल में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी एवं मुख्य विकास अधिकारी मनोज राय, नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान प्रयागराज की काशी क्षेत्र की विजय लक्ष्मी उपस्थित रहे। महापौर अभिलाषा गुप्ता ने बताया कि बेटा हो या बेटी, सभी एक समान है, महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, महिलाएं सब कुछ कर सकती है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता मनोज सिंह की रिपोर्ट। कर्म दे सरस्वती, कर्म दे तू गोविंदा, हमारे हाथ में कराग्रे बजते लक्ष्मी, हाथ के अगले भाग में लक्ष्मी है, कर्म दे सरस्वती, बीच में सरस्वती माँ है, कर्म दे तू गोविंदा, मूल मेरा कौन है, गोविंद भगवान, तो हम सब क्या है, उनकी जड़ है, जड़ क्या कहते टहनियां है, और जड़ जो है मेरे गोविंद भगवान है, इसमें मेरे भाई और बहन दोनों शुरू से जुड़ा हुआ है, हम एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए कंधा से कंधा मिलाकर के आज हम वो अधिकार मुझे माननीय मोदी जी ने दिया है, माननीय योगी जी ने दिया है, जो हर काम के लिए न डरे हैं न डरेंगे, हर काम कंधा से कंधा मिला के करेंगे। आज विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, महिलाएं बेरोजगार हैं, उनके लिए सड़कों का निर्माण कितना कितना है, ज्यादा आपको मेरी प्रदेश मंत्री बताएंगी, हमें ज्यादा बोलने की जरूरत जी। आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगी, आज के विषय में गाड़ी निकाल जी मैम, अधिकरण का एक समापन समारोह था जी, माननीय योगी जी ने 20 नवंबर को एक नारी सशक्तिकरण संकल्प योजना का शुभारंभ किया था, उसी के समापन का ये था, और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये समापन नहीं है, ये इसमें आगे ये बढ़ते रहना चाहिए। बेसिकली ये कार्यक्रम महिलाओं की योजनाओं को पूर्ण रूप से लोगों तक, जन जन तक पहुँचाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और विशेष रूप से इसके लिए धन्यवाद माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को और योगी जी को, जिन्होंने महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाओं का संचालन किया है, चालू किया है। करीब 80% जो योजनाएं हैं अपने केंद्र के सरकार की, वो महिलाओं के लिए हैं, और अगर हम महिलाएं सशक्तिकरण में शामिल होती हैं, अगर सशक्तिकरण होता है तो हमारे साथ साथ समाज का और राष्ट्र का भी सशक्तिकरण होता है, और इसी उद्देश्य के साथ हम सब इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, और इसके लिए योगी जी का और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। इन नारियों को सशक्त करने का, उनको स्वावलंबी बनाने का कार्यक्रम था,
जो विकास भवन में आगे चल रहा था, तो इसमें नारियों को बराबर सशक्तिकरण कैसे करा जाए, उनका उनको स्वावलंबी कैसे बनाया जाए, वो उनको रोजगार कैसे दिलाया जाए, उनको शिक्षित होना सबसे आवश्यक है और अपने परिवार को भी कैसे शिक्षित करें, महिलाओं के प्रति जो रूढ़िवादी मान्यताएं हैं उसको ख़त्म करके आगे बढ़ने का था। और महिलाएं अगर काम करेंगी, महिलाएं अगर पढ़ेंगी लिखेंगी तो आगे आने वाले समाज को और अपने परिवार को भी बहुत मजबूत कर सकेंगी। और सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने खासकर महिलाओं के लिए 80% योजनाएं चलाई हैं, उसका लाभ उन्हें कैसे मिल सके, उन्हें अपने अधिकार का कैसे जागृत कर सके हम उन्हें, इस सभी पर ये कार्यक्रम था जिसका समापन समारोह था। तो मैंने यही बोला कि ये समापन नहीं, एक अलग जगह है, इसको समाप्त नहीं। और नारी का स्वाभिमान अपने आप में एक परिपूर्ण है, उसे नारी को स्वयं समझना पड़ेगा और अपने अधिकार के लिए स्वयं लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी उसे अधिकार अपने मिल सकेंगे। मोदी जी आए थे, अक्षय वट जी गए थे, उन्होंने कहा कि अब आम श्रद्धालुओं के लिए अक्षय वट खुला जाएगा, ऐसे में नगर निगम की तरफ से क्या कुछ तैयारियाँ की जा रही है? अक्षय माननीय प्रधानमंत्री जी क्या ये पहले से डिमांड थी इलाहाबाद शहर की, प्रयागराज शहर की, सबको और पूरा देश चाहता था, जितने लोग भी आते थे वो सब अक्षय वट के बारे में सुनकर उसे देखना चाहते थे। तो बाहर से बहुत सारे लोग आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब धन्यवाद देना चाहते हैं, सभी प्रयागवासी, कि उन्होंने एक ऐसी कार्य को कर दिया है जिससे हम सभी का मान सम्मान बढ़ेगा, आने वाले लोग भी उसकी महत्ता को समझेंगे अक्षय वट की। और ये एक बहुत बेहतर काम है, मान्यता है अक्षय वट के नीचे खड़े होकर जो भी मांगो पूर्ण होता है, तो ये आस्था का भी विषय था जिसको माननीय प्रधानमंत्री ने पूरा किया, हम सबके लिए खुशी की बात है। अगर हम बात करें अखंड नगर थाना क्षेत्र रतनपुर गाँव में तालाब किनारे मिली लड़की की लाश, सूचना पर पहुंचे थाना अध्यक्ष अखंड नगर अजय प्रताप यादव ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुछ क्षणों में गांव वालों की मदद से मृतक की पहचान पड़ोसी गांव फरीदपुर के जिया लाल की पुत्री कुसुम के रूप में हुई। एसओ अखंड नगर ने घटना को अंजाम देने वाले को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेज देने की बात कही है। अरे हम आगे नहीं जाएंगे, अरे तुम यही रुको, बस ऊपर नहीं आता, चलो हाथ पकड़े है, पकड़े है, तो उनका जिन क्या रहे पकड़े है, चलो कौन दिक्कत नहीं। ये थे अभी के समाचार, जानेंगे आगे के समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर। कसे थाना क्षेत्र के नगर पालिका परिषद कुशीनगर की वार्ड नंबर 8 में सपहा से शिवपुरी जाने वाली एवं गोरखपुर से दिल्ली जाने वाली अनुबंधित बस संख्या UP 57T4263 के हाई स्पीड की वजह से एक बंदर को ठोकर लग गई, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। बस ड्राइवर मौके से बस को लेकर फरार हो गया। सपहा चौराहे पर लोगों के सहयोग से जय श्री राम जय हनुमान जी का नारा लगाते हुए बंदर का हिंदू रीति रिवाज से कफन के साथ दाह संस्कार किया गया, जिसमें सुजीत जायसवाल, राकेश जायसवाल, पप्पू जायसवाल, रवि जायसवाल, नन्हे शर्मा इत्यादि लोग दाह संस्कार में उपस्थित रहे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता मोहन वर्मा की ये रिपोर्ट। सर अपना नाम बताइए। मिस्टर सुजीत कुमार जायसवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं स्थायी निवासी सपा वार्ड नंबर 3। तो ये बंदर के कब एक्सीडेंट हुआ? अभी 2 घंटे पहले सुबह। बस नंबर जानते हैं? बस नंबर तो नहीं मालूम हुआ है, लेकिन अभी 1-1.5 घंटे पता चल जाएगा। तो इस बंदर के क्या करेंगे आप? अब हम लोग दाह संस्कार करेंगे हिंदू रीति रिवाज से। और इस रोड पे सखवनिया रोड पे 2-3 ऐसे बसें हैं कि हाई स्पीड में चल रहा है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि भाई उसको बोला जाए कि धीरा चले, कोई बच्चा आ गया होता तब क्या होता। और भी एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, इसके पहले भी एक बंदर मर चुका है। वो कैसे मरा था? वो भी वो गड़िया से मरा था। अब वहाँ से लोग चलते हैं तो लगभग 70-80। ये सभी के समाचार, अभी कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।